आजकल मधुमेह बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, मधुमेह लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि पहले बिल्कुल रेयर किसी किसी को हुआ करता था। मधुमेह दो प्रकार का होता है, टाइप 2 का मधुमेह, जिसमें रोगी का अग्नाशय इंसुलिन कम मात्रा में बनाता है। टाइप 1 का मधुमेह, जिसमें अग्नाशय इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता। मधुमेह के रोगियों को अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंसुलिन हमारा अग्नाशय जो है एक हार्मोन्स तैयार करता है, जिसे इंसुलिन बोलते हैं। जब हम कुछ आहार लेते हैं तो उसके पाचन के बाद 6 रस तैयार होते हैं, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। उनमें से एक मधुर रस, जिसे शकरकरा या ग्लूकोज भी कहते हैं, जब ये इंसुलिन शक्करकरा में उचित मात्रा में मिल जाता है, जितना उसमें मिलना चाहिए, तब ये हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगर ये कम ज़्यादा मात्रा में बनता है और उसमें मिलता है, तो ये हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और खून में ही जमा होने लग जाता है, जिसे मधुमेह कहा जाता है। अब इसके लक्षण बता देता हूँ। मधुमेह के रोगियों को बार बार पेशाब आता है, प्यास बार बार लगती है, मुंह बार बार सूखता है, कोई जख्म हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होता, फोड़ा फुंसी हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होता। मधुमेह होने के बाद किसी रोगी का वजन बढ़ने लग जाता है, किसी का वजन घटने लग जाता है, नज़र कमज़ोर होने लग जाती है। ये तो हो गए लक्षण। अब कारण बता देता हूँ। सबसे पहला कारण है कि हम भारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि घी, मक्खन, मलाई, मीठा, और एक्सरसाइज नहीं करते या कोई शारीरिक काम नहीं करते। शारीरिक काम से याद आया, पहले के लोगों को देखा होगा आपने, कितना मेहनत करते थे और वो मीठा, घी बहुत कुछ खाते थे, उनको कभी शुगर, बीपी की शिकायत होती नहीं थी। बहुत किसी किसी को, जो बैठक वाला काम करता था, दिमागी काम करता था, जो नींद कम लेता था, उसको हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये आम बात हो गई है। दूसरा कारण है अनुवांशिक, जैसे दादा, परदादा, पिता, ऐसे बच्चों में भी आगे जाता है। तीसरा कारण है मोटापा। मोटापा तो वैसे भी बीमारियों का घर माना जाता है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, तो मधुमेह उसमें से एक है। मोटे व्यक्ति को शुगर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चौथा कारण है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र में भी हमारा अग्नाशय कमज़ोर हो जाता है, तभी कहते हैं जब उम्र 40 के बाद हमारी बढ़ने लग जाती है, तो हमें मीठा, घी, ज़्यादा नमक, मैदे वाली चीज़ें, बाजार का तला फला कम कर देना चाहिए। इससे बीपी का, शुगर का खतरा नहीं होता। इसलिए ये तो कारण बता दिए मैंने आपको। अब इनका इलाज, इलाज में सबसे पहला इलाज तो मैं ये कहूँगा मधुमेह के रोगियों को कि आप पैदल तेज चलें, एक्सरसाइज पूरे दिन में आधे से 1 घंटा जरूर करें। जो जॉगिंग करना चाहते हैं वो जॉगिंग करें, ताकि आपका मधुमेह बिल्कुल ठीक रहे। घरेलू उपचार में बता देता हूँ। पहला उपचार है मेथी दाना 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के उसे खाली पेट चबाएं, उसके बाद वो पानी पिएं। सुबह भिगो दें, शाम को खाना खाने से पहले उसे चबाएं और पानी पिएं। इससे मधुमेह बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा घरेलू उपचार है करेले का रस 4 से 6 चम्मच सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने से पहले मधु के रोगी अवश्य लें। इससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इसके बाद तीसरा घरेलू उपचार है और बहुत कारगर है, बहुत जनों पे आजमाया हुआ है। आम, कच्चे आम, पके हुए आम शुगर वाले रोगी को मना होता है, लेकिन कच्चे आम में ऐसे गुण होते हैं जिससे शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है। इससे इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है, और जो इंसुलिन टाइप 1 के शुगर वाले हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
और टाइप टू वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है। कच्चे आम को छोटे छोटे टुकड़े बना लें, कोरे मटके में डाल के उसे एक एक चम्मच, मान लीजिए कि आपके पास कच्चे आम 1 किलो हैं छोटे टुकड़े, तो उसमें 1 चम्मच नमक डालिए सेंधा, और उसके ऊपर कपड़ा लपेट के बांध के धूप में छोड़ दो। 1 महीने बाद उसे निकाल के 2 से 3 टुकड़े खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। जिनको शुगर है उनकी शुगर बिल्कुल ठीक रहेगी, और जिनको शुगर नहीं है उनको कभी शुगर नहीं होगी। इसी में कई लोग क्या करते हैं जी, अचार का इस्तेमाल करते हैं, तो अचार गलत है। अचार तेजाब गैस भी बनाता है क्योंकि उसमें मसाले सड़ जाते हैं। और ये जो है, ये कई लोगों को मैंने बताया और कई लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। अचार अंदर खाते हैं ना, तो तेजाब गैस, अंदर जलन, ये सब परेशानी बहुत ज़्यादा तंग करती है। चलिए, ये तो मैंने घरेलू औषधियाँ बता दी, घरेलू उपचार बता दिए। अब मैं आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ बता देता हूँ। आयुर्वेदिक औषधियों में पहली औषधि है गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी के इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसको खा के आप ऊपर कितना ही मीठा खा लें उसका असर नहीं होगा आपको। उसका ना तो टेस्ट पता चलेगा, ना ही अंदर उसका मिठास तैयार होगी। और कोई भी शुगर की औषधि बिना गुड़मार बूटी के नहीं बन सकती। इसको ला के आप पीस के रख लें। 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से शुगर वाले पेशेंट का शुगर बिल्कुल ठीक रहता है, और कई भगवान की कृपा से ठीक भी हो जाते हैं। बस वो अपनी मीठे और परहेज़ पे कंट्रोल रखें, बिल्कुल ठीक रहते हैं। दूसरी आयुर्वेदिक औषधि है जामुन। जामुन के सीज़न में जामुन आप खा लें, उसके बाद उसकी गुठलियों को धो के अच्छे से थाली में रख के उसके ऊपर कपड़ा डाल के धूप में सुखा लें। बिना कपड़ा डाले आप मत सुखाना क्योंकि उसमें धूल मिट्टी पड़ेगी और उसके औषधीय गुण खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जब वो सूख जाए उसका पाउडर बना के रख लें, और 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले लेने से शुगर बिल्कुल ठीक रहती है। ये तो बता दिया मैंने आयुर्वेदिक औषधियों में। अब जिनके पास समय नहीं है उनको रेडीमेड औषधि बता देता हूँ। मधुहरण पाउडर आता है, 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से शुगर बिल्कुल ठीक रहती है। इसे टाइप 2 वाला रोगी भी ले सकता है, टाइप 1 वाला भी ले सकता है, और इसके साथ अपनी औषधि भी लेते रहें। जब आपका शुगर बिल्कुल ठीक हो जाए और थोड़ा कम होने लगे तब अपनी औषधि को कम करें। अब ये तो आपको दवाइयाँ बता दी, अब परहेज़ बता देता हूँ। बिना परहेज़ के कोई भी रोग जड़ से ख़त्म नहीं होता। तो शुगर वाले रोगी के लिए सबसे पहले आलू और शकरकंदी मना होती है। इनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। दूसरा, टेंशन ज़्यादा ना रखें। तीसरा, मीठा किसी भी रूप में हो। कई पेशेंट कहते हैं जी चीनी मना है तो शक्कर, भूरा खांड, देसी खांड, ये सब ले सकते हैं। नहीं, सब में शुगर की मात्रा होती है तो ये बिल्कुल मना है। मीठे मेवे मत लें, खजूर, छुआरे, किशमिश, मुनक्का, ये आपके लिए मना है। देसी घी, रबड़ी, मलाई, मिठाई का इस्तेमाल मत करें। ज़्यादा नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल मत करें। ये तो हो गए परहेज। मधुमेह के रोगियों के लिए क्या फ़ायदेमंद है? मधुमेह के रोगियों के लिए काले चने भिगो के भून के खाना फ़ायदेमंद है। अलसी के बीज भून के खाना फ़ायदेमंद है। तिल सफ़ेद को भून के पीस के खाना फ़ायदेमंद है। हरी साग सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। मधुमेह के रोगियों के 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरा, शुगर को नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोगों को शुगर होती है, वो मीठा खाते हैं
और गोली खाते रहते हैं, इंजेक्शन लेते रहते हैं। कई आते हैं मेरे पास वो टाइप 1 टाइप 2 के, और परवाह ही नहीं करते, उनको शुगर है तो बाद में आंखें खराब हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि शुगर हमारा नर्वस सिस्टम बेकार करता है, जिससे कोमा की शिकायत भी हो सकती है, जिससे आंखों की, सबसे पहले शुगर आंखों पे और गुर्दे पे असर करता है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज मत करें, अपना टाइम से दवाई लें और टाइम से चेकअप करवाते रहें, क्योंकि टाइम से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। पता चलता है कि शुगर अब कितनी है, हमें औषधि कितनी लेनी चाहिए, डोज बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। और लास्ट में इतना ही कहूँगा, मेरे बताए गए नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।